हेलो गाइस, वेलकम टू सॉफ्ट एंजल। लेट्स सेलिब्रेट वुमेंस डे। सो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द लवली वुमेंस। और आज हम क्या करेंगे, आज हम आइकॉनिक वुमेंस के बारे में, जो स्पेशली हमारे इंडिया की आइकॉनिक वुमेंस है, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम उनके अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द निर्मला सीतारमण, जो हमारे देश की सबसे पावरफुल वुमेन है। और वो क्यों है, क्योंकि वो हमारे देश का बजट बनाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी हैं। ये इंडिया की सेकंड फीमेल डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं और सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं। मीन्स इंदिरा गांधी के बाद सेकेंड पोजिशन इन्होंने संभाली है। साथ ही साथ ये इंडिया की फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में के साथ स्पीकर पर्सन के रूप में भी अपना कार्यभार संभाला है। इन्हें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस की तरफ से अल्मोनी अवार्ड 2019 में मिला है और फोर्ब एक मैगजीन ने 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में इन्हें 34th पोजीशन दी है। सो लेट सेलिब्रेट इट। सोम्या स्वामीनाथन इज द सेकेंड वुमेन। ये इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, प्रेडिटेशन जो बच्चों के स्पेशल डिसेस का ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ ही क्लिनिकल साइंटिस्ट हैं। इन्हें ट्यूबरक्लोसिस और एचआईवी रिसर्च के बारे में भी जाना जाता है। ये WHO में 2019 से लेके अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीफ साइंटिस्ट की पोजीशन पे है। इससे पहले भी वो WHO में डायरेक्टर जनरल ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट पे थी। जब वो WHO में थी तब उन्होंने कोविड से रिलेटेड रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन किया था। साथ ही साथ इनके नाम पे कई अवार्ड हैं। 2008 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से इन्हें अवार्ड मिला गया था। 2009 में इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट एंड द लंग्स डिजीज फील्ड चेयर्स एंड HIV सेक्शन की तरफ से इन्हें अवार्ड मिला था। 2011 में इंडियन अकेडमी ऑफ पैराडाइज की तरफ से इनको मिला था। 2011 में एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड माइक्रो बायोलॉजिकल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला था। एंड 2012 में तमिलनाडु साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड एंड साथ ही साथ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ऑफ इंडिया में भी इन्हें फेलोस मिला था। सम्मेलन में इन्वॉल्व होने का मौका मिला था। 2013 में इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस और बैंगलोर में भी उन्हें सेम अपॉर्चुनिटी मिली थी। 2016 में भी इन्हें एस्ट्रोनेच एंड रिसर्च एंडोमेंट अवार्ड मिला था। आई थिंक इन्होंने जितनी भी रिसर्च की थी उनके थ्रू इन्हें अचीवमेंट्स मिले हैं। लेट्स डिस्कस अ न्यू वन। दिस प्रियंका चोपड़ा, यस दिस इज द इंडियन एक्ट्रेस मॉडल एंड सिंगर। सो हम सब जानते हैं ये मिस वर्ल्ड रही है 2000 में और सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में भी इनका नाम है। और इनके पास 2 नेशनल फिल्म अवार्ड हैं एंड 5 फिल्म फेयर अवार्ड हैं। 2016 में गवर्नमेंट ने इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा है। साथ ही साथ टाइम से इन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल के लिस्ट में भी इनका नाम रखा हुआ है। साथ ही साथ सेम फोर्ब मैगजीन ने 2 साल तक इन्हें 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन के में अपना नाम दिया है। ये नहीं, उन्होंने फैशन में नेशनल अवार्ड मिला था। साथ ही साथ इन्हों के पास आईफा अवार्ड है, स्क्रीन अवार्ड है, प्रोड्यूसर गाइड फिल्म अवार्ड है एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल भी अवार्ड मिला हुआ है। शी ऑल्सो हैज अ नंबर इन हॉलीवुड। उन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया है। द वाइट टाइगर, द मैट्रिक्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ उन्होंने एलेक्सा पेरिक्स नाम से एक सीरीज में रोल किया है। सीरीज का नाम है क्वांटिको। एंड इनके पास यूनिसेफ में भी एक चैरिटी है जहाँ वुमेन्स एंड चाइल्ड की तरफ से हैं। वो एक संस्था चला रही है जो 2006 से इसके साथ जुड़ी हुई है और उन्हें अभी तक उस चीज़ को संभाले हुआ है। इसके साथ साथ वो पर्पल पैडल पिक्चर्स नाम का प्रोडक्शन हाउस है इनके नाम से और एक प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने अपने ऊपर एक बुक लिखी थी जिनका नाम है अनडिफाइंड अनफिनिश्ड और वो न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट है। नेक्स्ट वी हैव द नीता अंबानी। और कौन ही नहीं जानता, ये इंडियन बिजनेस पर्सन है, सबसे पावरफुल पर्सन। शी इज द चेयरमैन एंड द फाउंडर ऑफ रिलायंस फाउंडेशन। साथ ही साथ धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की हैं।
साथ ही साथ ये डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्री की। शी इज द ऑल्सो ऑनर ऑफ इंडिया प्रीमियर लीग, हर कोई ये जानता है आईपीएल की ऑनर है। साथ ही साथ इनके पास अपनी खुद की टीम है मुंबई इंडियंस। शी ऑल्सो लिस्टेड इन द 15th हाई एंड द माइटी इंडियन सबसे पावरफुल वुमेन्स में। इनका नाम इंडिया टूडे ने 2006 में लिस्टेड किया था। इसके साथ साथ मोस्ट इन्फ्लुएंस वुमेन्स इन बिजनेस लीडिंग इन एशिया में भी फोर्ब्स ने इनका नाम रखा है। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये पहली वुमेन है जिनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की तरफ से मेंबरशिप मिली है। यही नहीं, अम्बानी रिसीव द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड इन 2017 और वो उन्हें प्रेसिडेंट की तरफ से मिला हुआ है। शी ऑल्सो हैव द बेस्ट कोऑपरेटिव सपोर्ट ऑफ इंडियन स्पोर्ट अवार्ड से भी इन्हें इंडिया टीम टाइम्स ऑफ इंडिया ने नवाजा है। शी ऑल्सो हैव भारतनाट्यम डांसर, शी इज अ प्रोफेशनल डांसर। और इनके साथ साथ उन्होंने अपने जामनगर के एक बिल्डिंग कॉरपोरेशन में भी पार्टिसिपेशन किया है और इस पार्टिसिपेशन के थ्रू इस जामनगर कॉम्प्लेक्स में 1 लाख मैंगो ट्रीज हैं, साथ ही साथ उसमें वैराइटीज ऑफ बर्ड। लेट्स डिस्कस अबाउट लता मंगेशकर जी। हम सभी जानते हैं ये प्लेबैक सिंगर है, ओकेशनल म्यूजिक है, कंपोजर है और इनके 7 डिकेट काम करने के कारण इन्हें एक ऑनर टाइटल दिया गया है जिनका नाम है क्वींस ऑफ मेलोडी, नाइटिंगल ऑफ इंडिया एंड द वॉइस ऑफ द मिलेनियम। लता रिकॉर्ड्स लॉट्स ऑफ लाइक 36 इन लोगों इन्होंने गाने गाए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, उसमें साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज भी यूज की हुई है जैसे लाइक मराठी, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, रसिया, डच और बहुत सारी भाषाएं जिन्होंने गाए हैं। इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड मिला है 1989 में और इन्हें भारत रत्न से 2001 में नवाजा गया है। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया और फ्रांस ने भी इन्हें हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड दिया है, एक ऑनर दिया, द लेजेंड ऑफ ऑनर इन 2017। इनके पास अवार्ड की कोई कमी नहीं है। इनके पास 3 नेशनल अवार्ड है, 15 बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड है, 4 फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड है, 2 फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड है एंड द फिल्म फेयर लाइफ टाइम ऑफ अचीवमेंट अवार्ड है और मे बी मोर देन दिस, इससे भी कहीं ज्यादा होंगे। शी इज द फर्स्ट इंडियन प्लेबैक सिंगर जिन्होंने रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में गाया था और इनके नाम पे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने 1948 से लेके 1987 में तक सबसे ज्यादा सॉन्ग गाए हैं और इनके नाम पे एक रिकॉर्ड बनाया गया है। इन 1984 में बिकॉज ये इंदौर से बिलोंग करती है सो मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर अवार्ड इनके नाम पे ऑनर के रूप में दिया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र ने भी यही चीज 1992 में लागू की कि उनके नाम से ये अवार्ड दिया जाएगा। हर लास्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग हम जानते हैं वो हमारे बीच में नहीं रही है, उन्होंने सोगंध मुझे इस माटी की मोदी पिक्चर का सॉन्ग है जो उन्होंने 13 मार्च 2019 में लास्ट रिकॉर्ड किया था और इंडिया को एक ट्रिब्यूट दिया था। सो हम उन्हीं के उससे एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं और एंड करना चाहते हैं इस वीडियो का। सो थैंक्स, थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन विद अस, लेट्स गो। आजी